अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं बेसन वाली रोटी जो कि खमीरे आटे से बनाएंगे, जो आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आटा, नॉर्मल आटा है। इसमें एक बाउल, छोटा बाउल मैंने बेसन का डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, कितनी आपको पसंद हो। प्याज चॉप है, ये एक से दो मीडियम साइज प्याज आप डाल दें, कितना आपको पसंद हो। और हरा धनिया है जो मैंने धो के रख दिया था, वो डाल दिया। अब हम इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, ये राई है, सूखा धनिया साबत, अजवाइन, और इसमें वो जो खमीर आटा है वो शामिल करके अब इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। एक मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है। अब इसमें इसको गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सारे बैटर को मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको गूंद लिया, ये नॉर्मल आटे की शक्ल आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब एक पेड़ा बनाएंगे और इसको जैसे हम आम रोटी बेलते हैं ऐसे ही बेल लेंगे, और इसको तवे पे डाल देंगे और साथ घी शामिल कर देंगे। अच्छे से घी लगा लेंगे सारी ही रोटी के ऊपर, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से लगा के, जैसे हम पराठा बनाते हैं ना ऐसे हम बना लेंगे इसको। नहीं नाज़रीन, हमारी बेसन वाली रोटी तैयार है। इसके साथ आप आम रस बनाएं और साथ कच्ची लस्सी बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखिए नरम है और मज़े की है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।